उसने बेबसी से उसे सिगरेट सुलगाते देखा। कितने बुरे लगते थे उसे सिगरेट पीने वाले मर्द, लेकिन उमर सईद के मामले में दिल ने ऐसी दगा दी थी कि उसे फिर भी वो बहुत अच्छा लगता था। वो अब तीसरी सिगरेट सुलगा रहा था। जैनब ने होंठ पींच लिए। क्या आप इसे दो मिनट के लिए बंद नहीं कर सकते? उसके मुंह से बेइख्तियार ही निकल गया था जवाबन उसके लाइटर जलाते हाथ एक लम्हे के लिए रुके। अगले ही लम्हे उसने बड़े सुकून से उसे सुलगाया और उसकी इस हरकत पर वो गुस्से से सुर्ख हो गई थी कि हद हो गई। उसके अंदर की खुदसर जैनब एक बार फिर जाग गई। अली, सारा, चाची वो सब भूल गई और झटके से आगे होकर उसने सिगरेट उसके हाथ से खींच कर बाजू पीछे कर लिया, जबकि उमर उसकी इस जुर्रत पर उसे आग बरसाती नज़रों से देख रहा था। मगर उसने बाजू आगे नहीं किया था, वो डट गई थी। ये दे दें मुझे। आंखों के बरअक्स लहजा बला का पुरसकून था। पहले मेरी बात सुने, वो बेखौफी से बोली। वो खोल के रह गया था। जैनब, उसका लहजा तंबीही था, दमकाता हुआ। वो सर झुका गई थी मगर सिगरेट अभी भी उसके हाथ में दबा था। अगर वो जिद्दी था तो फिर उसने भी अभी सॉरी तो उसने अभी जैनब की जिद नहीं देखी थी। चलो आज देख ही ले, आई सेड वापस करें। वो अब एक एक लफज चबा रहा था, सुकून खत्म हो रहा था। जैनब ने आहिस्ता से सिगरेट वाला हाथ आगे किया और उसे वापस करने के बजाय अपने होठों से लगा लिया।